सीरियल किलर्स की कहानियों का ज़्यादातर अंत होता है। पहले हत्यारा पकड़ा जाता है, फिर सब मिल जाते हैं और लोगों को हत्यारे की मंशा और मानसिक पीड़ाओं के बारे में अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन दक्षिण अमेरिका के सबसे कुख्यात सीरियल किलर में से एक पेड्रो लोपेज के साथ ऐसा नहीं हुआ था। माना जाता है कि द मॉन्स्टर ऑफ एंडिस लोपेज ने 1969 से 1980 के बीच सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा था, जिसमें से अधिकांश युवा लड़कियां थी। दक्षिण अमेरिका के बाहर रहने वाले कई लोगों ने पेड्रो लोपेज के बारे में नहीं सुना होगा। उसे लोगों ने तब जाना जब 2006 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा उसे मोस्ट प्रोलिफिक सीरियल किलर नाम दिया गया। बाद में इसे एक कंप्लेंट के बाद बुक से हटा दिया गया, क्योंकि ये एक गेम जैसा दिख रहा था, जैसे कि ज़्यादा इंसान को मारो और अपना नाम इस बुक में लिखवा लो। वैसे अगर हत्या करना एक गेम होता तो शायद पेड्रो लोपेज एक विजेता होता, केवल इसलिए नहीं कि ऐसा माना जाता है कि उसने 450 से अधिक लोगों को मार डाला था, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा करने के बाद वे आज भी आज़ाद हैं। आपको सुनकर ऐसा हो सकता है कि लगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ऐसा हो सकता है कि पेड्रो कहीं आपके बगल से गुजर रहा हो। जी हाँ, वो अब भी फरार है। अगर वो अब भी जिंदा है तो लगभग 73 का होगा। अगर वाकई ऐसा है तो वो इस दुनिया के किसी कोने में शायद अपने अगले शिकार की तलाश कर रहा हो। आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि इस तरह के राक्षसी हत्यारे को सैकड़ों हत्या करने के बाद स्वतंत्र कैसे रहने दिया गया। आपका ऐसा सोचना सही है, क्योंकि पेड्रो लोपेज की कहानी केवल ह्यूमन साइकी के सबसे गहरे हिस्सों पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि उन देशों के ज्यूडिशरी पर भी सवाल उठाती है जिनमें लोपेज ने अपराध किए थे। वास्तव में ये वही ज्यूडिशरी सिस्टम है जो पेड्रो लोपेज के उस राक्षस में बदलने के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार भी है। पेड्रो लोपेज का जन्म 1948 में कोलंबिया में हुआ था। उसकी माँ बेनिल्डा लोपेज ने उसका पालन पोषण किया। बेनिल्डा को पेड्रो अपनी शादीशुदा बॉयफ्रेंड से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हुआ था। ज़्यादातर सीरियल किलर्स की तरह इसका भी बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। पेड्रो के पिता उसके जन्म से 6 महीने पहले ही मार दिए गए थे। उसे अपनी ज़िंदगी में पहला झटका तब लगा जब उसने देखा कि उसकी माँ को उसके पालन के लिए प्रोस्टिट्यूट का काम करना पड़ रहा है। यह उसके दिमाग में बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। उसकी माँ एक तरफ बहुत भावुक और दयालु थी, लेकिन दूसरी तरफ उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न हो रहा था। पेड्रो के जीवन में 1957 में एक मोड़ आया जब उसकी माँ ने पेड्रो को अपनी बहन को गलत तरीके से छूते हुए पकड़ लिया। उसकी माँ ने उसे इस व्यवहार के कारण 9 साल की उम्र में घर से निकाल दिया। सड़कों पर भटकते समय पेड्रो लोपेज को एक गलत आदमी मिल गया। उसने भोजन और रहने की जगह देने का वादा किया। वह इंसान उसे वादा किए गए जगह के बजाय पेड्रो को एक खाली इमारत मिलेगी और बार बार उसका बलात्कार किया। इस घटना के बाद पेड्रो ने खुद को आगे से किसी का शिकार बनने से बचने के लिए बच्चों के रोड साइड गैंग में शामिल हो गए। यह गिरोह छोटे मोटे अपराध करता और कोकीन और डेरिवेटिव का धूम्रपान करता था। 4 साल सड़कों पर रहने के बाद पेड्रो लोपेज को संयुक्त राज्य अमेरिका के एक परिवार ने गोद ले लिया और अनाथ बच्चों के लिए बनाए गए एक स्कूल में डाल दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद ही वो वहां से भाग गया। कुछ लोगों के अनुसार ऐसा इसलिए था क्योंकि एक पुरुष शिक्षक ने उसका यौन शोषण किया था। अन्य कुछ का दावा है कि वह शिक्षक के साथ ही भाग गया। 18 साल की उम्र में पेड्रो लोपेज वापस से सड़कों पर था। कारों को चुराकर उन्हें स्थानीय दुकानों पर बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा था। कुछ समय बाद उसे पुलिस ने पकड़ लिया और उसे जेल भेज दिया गया। जेल में लोपेज के साथ 3 अन्य कैदियों ने बेरहमी से बलात्कार किया था। प्रतिशोध में लोपेज ने बलात्कारियों को मार डाला। उनमें से एक को तो उसने अपने हाथों से मार डाला। इन हत्याओं ने उसे अपने साथी कैदियों का सम्मान दिलाया। इस घटना के बाद से किसी ने भी उसे फिर से नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की। हत्याओं को कोलंबियाई न्याय प्रणाली द्वारा आत्मरक्षा में किया गया हत्या माना, इसलिए लोपेज की सजा में केवल 2 साल जोड़ दिए गए। यह घटना हत्याओं की लंबी कड़ी और आने वाले कानूनी फ्री पास की शुरुआत थी। पेड्रो लोपेज को जेल से रिहा कर दिया, फिर वह पेरू चला गया और उसके आतंक का शासन शुरू हो गया। उसने भयावह आवृत्ति के साथ लड़कियों का अपहरण, बलात्कार और हत्या करना शुरू कर दिया। अपने अपराध की चरम सीमा पर वह जाहिर तौर पर प्रति सप्ताह लगभग 3 लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहा था। उसके अधिकांश शिकार 9 से 12 वर्ष की आयु के बीच की लड़कियां थीं। जब उससे पूछा गया कि क्यों उसने इस उम्र की बच्चियों को ही चुना, तो उसने बताया, मैंने अपनी मासूमियत 8 साल की उम्र में खो दी थी और मैं चाहता था कि और भी बच्चे अपनी मासूमियत इसी उम्र में खो दें, इसलिए मैंने उन लड़कियों के साथ ऐसा करने का फैसला किया। लोपेज अपना शिकार करने से पहले कई दिनों तक अपने शिकार का दूर से पीछा करता था। फिर वह लड़कियों का अपहरण कर लेता और उन्हें एकांत स्थान पर ले जाता
फिर वहां उनके साथ बलात्कार करता और फिर उनकी गला दबाकर हत्या कर देता। वह उनके शवों को खाली पड़े कब्रों में दफन कर देता। कभी कभी शवों के बहुत अधिक सड़ने से पहले वह कब्र पर लौटता और लाशों के साथ बैठ के चाय पी। लोपेज ने दावा किया कि वह दिन के दौरान हत्या करना पसंद करता था ताकि मारने पर वह अपने पीड़ितों के चेहरे को देख सके। लोपेज की अधिकांश पीड़ित गरीब स्वदेशी समुदाय की लड़कियां होती। लोपेज के अनुसार उसके पास इस बात की प्राथमिकता नहीं थी कि पीड़ित किस जाति का है। एक अवसर पर लोपेज इस समुदाय की एक लड़की का अपहरण करने के प्रयास में पकड़ा गया था। स्थानीय लोगों ने उसे पीटा, प्रताड़ित किया और अंत में उसे गले तक मिट्टी में दबा दिया। उनका प्लान था कि उसके सिर को चीनी की चाशनी में डुबा दें और चींटियों को उसे जीवित खाने देंगे। लेकिन तभी वहां से गुजरते वक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राजदूत ने उसे रिहा करने के लिए भीड़ को मना दिया और वह बच गया। एक अन्य अवसर पर इक्वाडोर में लोपेज ने फिर से एक लड़की का अपहरण करने का प्रयास किया जिसमें उसे पकड़ लिया गया। जब उस लड़की की मां ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया तो एक गुस्साई भीड़ इकट्ठा हो गई जिसने लोपेज को वहीं पर पीटना चालू कर दिया। भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार ही डाला होता अगर उसे पुलिस अधिकारियों ने नहीं बचाया होता। अधिकारियों ने अंततः लोपेज को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। यह वही पल था जब लोपेज के अपराधों की वास्तविक सीमा का पता चला था। सबसे पहले पूछताछकर्ताओं का मानना था कि लोपेज उस गिरोह का हिस्सा था जो अम्बोटा इक्वाडोर के आसपास लड़कियों का अपहरण कर रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने सारे गुमशुदा बच्चों का पता एक ही आदमी से लगाया जा सकता है। हालांकि लोपेज ने अंततः कबूल किया कि उसने लापता लड़कियों में से एक को मार डाला था जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। जब अधिकारियों ने उससे पूछा कि क्या उसने और लड़कियों की हत्या की है तो उसने जवाब दिया, इक्वाडोर में 200 से अधिक, पेरू में कुछ 10 और कोलंबिया में कई और। लोपेज ने अधिकारियों को 53 खाली कब्रों तक पहुंचाया जो उसने अम्बोटा के आसपास खोदी थी जिसका इस्तेमाल उसने पीड़ितों को दफन करने के लिए किया था। ऐसा माना जाता है कि उसने कम से कम 110 लोगों को मार डाला और कुछ अनुमान तो इससे बहुत अधिक थे। पेड्रो लोपेज को 16 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इक्वाडोर में हत्या की यह अधिकतम सजा थी। आदर्श कैदी होने और व्यवहार का अच्छा प्रदर्शन करने के कारण उसे 2 साल पहले 1994 में रिहा कर दिया गया था। रिहा होने के 1 घंटे के भीतर उसे इक्वाडोर में अवैध रूप से सीमा पार करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और कोलंबिया में अपने गृह देश वापस भेज दिया गया। 1995 में पेड्रो लोपेज पर हत्या के आरोप में कोलंबिया में मुकदमा चलाया गया लेकिन उसे पागल घोषित कर दिया गया और जेल के बजाय मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया। 3 साल तक अस्पताल में रहने के बाद जब एक दूसरे मनोवैज्ञानिक ने उसका टेस्ट किया तो उसने उसे फिट माना और उसे इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वह $50 जमानत का भुगतान करे और मासिक रूप से पुलिस को रिपोर्ट करे। जिसका डर था वही हुआ। लोपेज ने कभी भी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं किया। वास्तव में कोई नहीं जानता कि वह अब कहाँ है। पेड्रो लोपेज को आखिरी बार उसकी माँ ने देखा था जिसे वह अपना गुनहगार मानता था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ को यह यकीन हो गया था कि पेड्रो उसे मारने के लिए वहाँ आया था। लेकिन पेड्रो ने अपनी माँ को मारने के बजाय उसने उसे अपने घुटने पर बैठने के लिए कहा और उसे जीवन दान का आशीर्वाद देकर वहाँ से गायब हो गया। 2002 में कोलंबियन सरकार ने लोपेज के खिलाफ एक ताज़ा हत्या की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल आदेश शुरू किया। अफवाहें कहती हैं कि वह वर्तमान में कोलंबिया में तोमिला विभाग के एक बेघर व्यक्ति के रूप में रह रहा होगा। दूसरों का कहना है कि उसके पीड़ितों के रिश्तेदार ने उसके सिर पर इनाम रखा था और उसकी हत्या कर दी गई है। वास्तविकता कोई नहीं जानता। हो सकता है कि कोलंबिया के सड़कों पर दुनिया के मोस्ट प्रोलिफिक सीरियल किलर में से एक आज भी घूम रहा हो।